वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 12। आइए जानते हैं व्हाट इज दिस चैप्टर्स नेम, मून चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 4। क्या है बच्चों? मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड क्लास 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली चैप्टर क्या रिवील कर रहा है। चैप्टर में जो चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, आप इससे पहले ही अवेयर हो तो आइए पहले जानते हैं मूविंग क्या है। व्हाट इज मीन बाय मूविंग? मूविंग मींस, मूविंग देखो क्या डिफाइन कर रहा है, आइए जानते हैं। सो मूविंग क्या डिफाइन कर रहा है? मूविंग मींस, मूविंग इज डिफाइन द मोशन। क्या डिफाइन कर रहा है? मोशन डिफाइन मींस इफ एनी ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ मोशन, मींस यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पाथ है, ये पाथ है हमारा, और इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है, सपोज एक बाइसिकल है, एक बाइसिकल है सपोज, एंड समवन सम पर्सन इज राइडिंग, सपोज राइट राइड कर रहा है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम उसकी क्या है डिस्प्लेसमेंट में, उसके उसके जो पोजीशन में इंस्टेंट में क्या है चेंजेस है। सपोज करो T1 पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, T2 पे, T2, T3 पे, तो क्या है हमारा कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या है, मोशन है, इस मोशन है उस ऑब्जेक्ट पे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम किसके बारे में बात करें? चार्जेस के बारे में। तो आइए जाते हैं व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, टॉक अबाउट द चार्ज। चार्ज इज नथिंग बट यू नो दैट क्यू एंड इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ the current and the time, current and the time means also you can say that आप ये भी कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, basically इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर होता है, but वहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट होता है होल्स का या प्रोटॉन्स का। सो चार्ज क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं, मीन्स मोशन किसके अंदर है? चार्ज के अंदर। किसी भी कंडक्टर के अंदर यू नो दैट क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, अगर चार्ज इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या है चार्ज मीन्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व है तो वहाँ पे क्या होगा कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वॉल्व है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था सपोज यहाँ पे, और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है मोशन कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूविंग हो गया, चार्ज हो गया, टॉक अबाउट द मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? द प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म इज व्हाट, मैग्नेटिज्म क्या है आप लोग कहोगे, मैग्नेटिज्म क्या है? प्रॉपर्टी है दैट इज एक्वायर्ड बाय द मैग्नेट। प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड बाय एन मैग्नेट। और कह सकते हो आपको पता है मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट विच हैज अ डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होगी किसी भी चीज को, और किसी चीज को डायरेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। हो सकता है आपका मैक्सिमम टाइम्स यू नो दैट वो भी मैग्नेट किस में एक्ट करता है, नॉर्थ और साउथ पोल में एक्ट करता है। नेक्स्ट, इसके अराउंड मींस द प्रॉपर्टी व्हिच इज अकॉर्ड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। किसी भी मैग्नेट के अकॉर्डिंग, मैग्नेट के अराउंड में जो भी उसका एक रीजियन होगा, उसकी जो जहां पे उसका इन्फ्लुएंस होगा, व्हिच हैज इट्स इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज the properties called as magnetism। Now let's talk about एक topic के बारे में आज discuss करेंगे हम लोग, आइए जानते हैं first topic के बारे में। So clear हो गया moving क्या है, charge क्या है और magnetism क्या है। Now let's talk about the first topic of your chapter, chapter number 4, that is concept of a magnetic field। Let's talk about concept of a magnetic field। Let us move on to the further। Sorry, while
टॉक अबाउट द फर्दर, आगे बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में। कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क, आप फ्री हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, आइए जानते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है जो आपका कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक रीजन होगा। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट टॉक अबाउट, सपोज करो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया है हमेशा अगर डायग्राम से अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर आप समझने की कोशिश करते हो या एग्जाम में एलाबरेट करते हो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए भी अच्छा है, आपकी कॉपीज के लिए भी अच्छा है और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा है। मीन्स वो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट, कॉन्सेप्ट भी इधर उधर आपका हमेशा आपके साथ रहे। Let's talk about, तो डायग्राम में देखो क्या होगा, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, हो सकता है आपका वायर है, जो भी आपके घरों में यूज होता है जनरली हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है वही चीज़ आपको ले। सपोज कर एक वायर ले लीजिए, आपने एक वायर ले लिया, ठीक है, वायर ले। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, वायर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ करंट होगा, आपको पता है कंडक्टर है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर करंट इन्वॉल्व होगा, और करंट जहाँ पर इन्वॉल्व होगा उसी के चारों तरफ क्या होता है, इस उसी के अराउंड उसके परपेंडिकुलर क्या इन्वॉल्व होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आप डायग्राम के बाद आप डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो, अगर उसको कोई भी डेफिनेशन है टॉपिक का सबसे पहले उसको डिफाइन करो। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द डेफिनेशन इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, the space around the magnet within which its influence can be experienced, the space around the magnet within which its influence ka influence kya hoga experience kar sakta hai, जो स्पेस होगा अराउंड मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होगा विद इन विच इंफ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जैसे एग्जांपल कोई भी एक मैग्नेट है, सपोज करिए मैग्नेट है, इसके चारों तरफ क्या होगा, बेसिकली इसके चारों तरफ क्या होगा, जहाँ तक इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, मीन्स जहाँ तक इसकी कैपेबिलिटी को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे इसकी एरिया यहाँ तक है, यहाँ पे कोई भी आपने कंडक्टर रखा और ये ऑटोमेटिकली या सेमी कंडक्टर रखा, ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वही स्पेस क्या कहलाता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर व्हाट एल्स इन दिस टॉपिक वी कैन डिस्कस। सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर, सो इंट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, there should be, अगर कोई भी charges के, अगर if we talk about in the terms of charges, अगर charges के terms में भी अगर बात करें तो suppose करिए, तो हो गया हमारा definition। next let's talk about charges के terms में अगर बात करेंगे, in the terms of charges, charges के terms में अगर बात करते हैं तो क्या होता है, charges के terms में क्या होगा, electron number one और इलेक्ट्रॉन नंबर टू, ये दोनों के बीच में अगर कोई इंट्रैक्शन होगा दो चार्जेस के बीच में, तो कहीं ना कहीं वहां पे इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट उसके अराउंड स्पेस होगा,
जो चार्जेस के बीच में जो स्पेस होगा वहां पे कहीं ना कहीं एक फील्ड इन्वॉल्व होगी, दैट फील्ड इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एग्जांपल, यू नो दैट अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, ठीक, या आप कह सकते हो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, जो नंबर ऑफ चार्जेस कैन फ्लो विद रेस्पेक्टिव टाइम, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ करंट। तो क्या है यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में जो स्पेस इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके टर्म्स में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इट। कभी भी अगर कोई भी एक और देखो, आपको सिर्फ टैगलाइन याद रखनी है, डायग्राम बना दोगे, डेफिनेशन में डेफिनेशन ऐड कर दोगे, याद रखना टैगलाइन क्या है उसमें मेन डेफिनेशन में द एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस within which the region around the space around the magnet in which its influence can be experienced. Third, charges ke beech mein interaction ki baat kar raha hai, to interaction ke bare mein yaad rakhoge hamesha, interaction se ek tag rakha, tagline yaad rakhna ki interaction se mein bataya tha, to do electron ke charges ke beech mein kahin na kahin pe jo interaction hoga wahan pe kiska involvement hoga, kahin na kahin wahan pe magnetism ka involvement. Ek aur cheez kya hai, agar charges mein motion ki baat hai, charges motion या electron motion कह सकते हैं, electron motion, because you know that maximum type the electron is the actual charger, actual carrier of charge. Next see what will happen, suppose करो अगर electron में movement है, किसी भी electron में अगर movement है, if it is moving, तो वहाँ पे क्या होगा, तब भी वहाँ पे magnetism होगा। जैसे इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस एंड तक अगर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ क्या होगा, जैसे ही वो मूव करेगा वो ऑटोमेटिकली इट विल जनरेट द करंट एंड इट विल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज नथिंग डिनोटेड इन द वायर दिस एक्सप्रेशन। और क्या होगा वहां पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व होगा, बट एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा करंट के एंड से जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा हमेशा मैग्नेटिज्म उसके परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। मीन्स अगर वो सपोज करो ये कंडक्टर है हमारा, और अगर इसके अंदर से करंट एक एंड से इस एंड से इस एंड तक अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो हमेशा इसका जो मैग्नेटिज्म होगा 90 डिग्री जनरेट होगा। मीन्स इस फॉर्मेट में सपोज इट इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो इट विल एक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो होप सो आई थिंक फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट टॉपिक क्लियर है आप लोगों का। इससे ज़्यादा मीन्स आई थिंक यू नो दैट डायग्राम हो गया, डेफिनेशन हो गया, दो पॉइंट्स हो गए, इट्स इनफ फोर मार्क्स के लिए, मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है, 4 मार्क्स इज इनफ। सो थैंक यू फॉर टुडे, ऐसी कोशिश करेंगे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, वी विल कंटिन्यू विद फर्दर टॉपिक्स एज वेल। सो थैंक यू फॉर टुडे।